सब्सक्राइब करें और देखें हर मंडे एक हिला देने वाली हॉरर स्टोरी। बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। आज जो कहानी मैं आपको बताने वाला हूँ वो मेरे दिल्ली में रह रहे एक अंकल के साथ हुई एक सच्ची घटना पर बेस्ड है। 2012 दिवाली के शुभ उत्सव पर मेरे अंकल सुनील के साथ कुछ ऐसा अशुभ हुआ जिसकी वजह से वो उस दिवाली को कभी याद नहीं रखना चाहते। पूरा दिल्ली दिवाली की रोशनी में चमक रहा था। सुनील ने भी अपने परिवार के साथ इस उत्सव को खूब जम के सेलिब्रेट किया, पर उनको ऑफिस के काम से अर्जेंटली अहमदाबाद जाना था और देर रात में 4 बजे की फ्लाइट बुक्ड थी। एयरपोर्ट पर जाने के लिए उनको दिल्ली कैंट रोड से जाना था। कहते हैं दिल्ली कैंट एरिया इंडिया की सबसे हॉन्टेड जगहों में से एक है, पर ना ही वो भानगढ़ की तरह कोई खंडर है और ना ही उस जगह का कोई डरावना इतिहास है, बल्कि ये एरिया शहर के बीचों बीच किसी भी आम कॉलोनी की तरह ही है। और तो और ये इंडियन आर्मी ऑफिशियल्स का घर भी है, पर फिर भी इस एरिया को काफी भयानक माना जाता है। सुनील को इसी एरिया से निकलकर एयरपोर्ट जाना था। ऊपर से दिवाली की रात अमावस की रात होती है और कहा जाता है कि इस रात भूत प्रेत की ताकत दुगनी हो जाती है, पर सुनील का इस रास्ते पर काफी आना जाना था और उन्होंने कभी ऐसा कुछ महसूस नहीं किया जिससे उन्हें डर लगे। रात के 2 बज रहे थे जब सुनील अपनी वाइफ को लेकर टैक्सी में एयरपोर्ट की ओर निकले। दिल्ली कैंट रोड के आते ही कुछ ही देर में सुनील को रोड के कोने पर खड़ी सफेद साड़ी में एक औरत दिखी जो अपने हाथ के इशारे से लिफ्ट मांग रही थी। सुनील ने सोचा कि इतनी देर रात ये औरत इस सुनसान रास्ते पर क्यों खड़ी है, और उन्होंने ड्राइवर को गाड़ी रोकने के लिए बोला। टैक्सी ड्राइवर ने औरत के पास जाकर गाड़ी रोकी और सुनील ने उससे बोला, हम एयरपोर्ट तक जा रहे हैं, आइए हम आपको छोड़ देते हैं। उस औरत ने कोई जवाब नहीं दिया। वो नीचे मुंह करके खड़ी थी और उसके खुले बालों से उसका पूरा चेहरा ढका हुआ था। सुनील ने फिर बोला, घबराइए मत, हम आपको आगे तक छोड़ देंगे। उस औरत ने फिर से कोई जवाब नहीं दिया। तभी साथ बैठी सुनील की वाइफ को एक अजीब सी घबराहट शुरू हो गई और उनको चक्कर आने लगे। वो हाँफते हाँफते बोली, सुनील सुनील चलो यहाँ से, प्लीज चलो यहाँ से। सुनील ने बगल में देखा तो उनकी वाइफ का चेहरा सफेद पड़ गया था। उन्हें अब लगा कि जरूर कुछ गड़बड़ है और उन्होंने ड्राइवर को गाड़ी स्टार्ट करने के लिए बोला, पर वो ड्राइवर उस औरत की तरफ देख रहा था और उसे किसी चीज का कोई होश नहीं था। तभी उस औरत ने अपना मुंह उठा के सुनील को देखा। सुनील ने उस औरत का भयानक चेहरा देखते ही ड्राइवर को जोर से हिलाया और चीखा, ड्राइवर गाड़ी भगा। ड्राइवर होश में आया और उसने तेजी से गाड़ी को आगे भगाया। खिड़की के बाहर वही औरत गाड़ी के साथ हवा में भाग रही थी। सुनील ये देख के बहुत ही ज्यादा डर गए थे और बुरी तरह पसीने पसीने हो गए। सुनील की गाड़ी की स्पीड 100 किलोमीटर पर आज से ऊपर होगी, लेकिन वो उनका पीछा ही नहीं छोड़ रही थी। दिल्ली कैंट से बाहर निकलते ही उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। सुनील की आंख अगले दिन हॉस्पिटल में खुली। उनको मालूम हुआ कि उनकी वाइफ कोमा में चली गई है और उस ड्राइवर की एक्सीडेंट होते ही मौत हो गई थी। करीब 4 महीने बाद उनकी वाइफ कोमा से बाहर निकली और अब दोनों ने वापस अपनी नॉर्मल जिंदगी जीना शुरू करा। मगर उस दिन से लेकर आज तक सुनील दिवाली नहीं मनाते और उस दिल्ली कैंट वाले रस्ते के आसपास भी नहीं भटकते। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो अभी सब्सक्राइब करिए और कमेंट्स में जरूर लिखिए कि अगली कहानी हम किस हॉरर लेजेंड पे बनाएं।